हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रमाकांत बेमडे, मैं कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ औरंगाबाद में। और आज मैं ईयर का कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपसे कुछ टिप्स और कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ईयर का जो बाहर का एरिया है उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, जो दिखता है फिजिकली। इसका जो भी सर्जरी करना है, ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और प्लास्टिक सर्जन ही कॉस्मेटिक सर्जरी का भी सर्जरी करते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर दिखने वाला कान का पोर्शन है, ये डिफॉर्म होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। जैसे कुछ बच्चों में जन्म से ही वो एक्सटर्नल ईयर में, कान के शेप में कुछ प्रॉब्लम होता है या वो अब्सेंट होता है। कभी कभी कान का इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें पीप भर जाता है और उसका आकार खराब होता है। कभी कार एक्सीडेंट या कुछ बाइट, डॉग बाइट, एनिमल बाइट से भी कान का एक्सटर्नल जो ईयर रहता है वो उसमें डिफॉर्मिटी आती है। या कभी कुछ ट्यूमर है, कैंसर है, उससे भी होता है। कभी कभी क्यूलॉइड से भी होता है, क्यूलॉइड जो आपको मालूम है उससे भी होता है। और कभी कभी ईयरिंग पहनने से कुछ स्त्रियों में भी ये डिफॉर्मिटी रहती है। तो ये सब के बारे में मैं आपको, प्लास्टिक सर्जन आपको कैसे हेल्प कर सकता है आज बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं जो बाय बर्थ डिफॉर्मिटी रहता है, ये इसको लॉप ईयर या बैट ईयर बोलते हैं या फोल्डेड ईयर बोल सकते हैं। इसको प्लास्टिक सर्जन करेक्ट करके, इस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसका शेप दे सकता है। ये दूसरा उदाहरण है, इसमें भी ये ईयर एकदम छोटा हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड है और उसका शेप भी खराब है, तो इसको फिर से प्लास्टिक सर्जरी करके किया है। ये माइक्रोशिया बोलते हैं इसको, इसमें कान बहुत ही छोटा है, तो इसको रिब कार्टिलेज लेके, जो अपना छाती की फासली रहती है उसका कार्टिलेज लेके स्टेजेस में उसको फिर से कान बनाया जाता है। अभी ऐसे बच्चों को कान का शेप बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ऐसे लड़कों में उनके फ्रेंड्स या उनके स्कूलमेट्स या बाकी लोग टीज कर सकते हैं, उनको अलग नज़र से देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है, उनको एम्बरेसमेंट होता है। और अगर ये प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तो उनका जो ईयर का शेप है ये अच्छा होने की वजह से उनको कॉन्फिडेंस फिर से आ जाता है। तो दिस सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, ये आप याद रखिए। जैसा अभी ये पेशेंट है, इसमें प्रोमिनेंट ईयर है, तो सर्जरी करने के बाद इसको ईयर पिनिंग भी बोलते हैं और करेक्शन भी बोलते हैं। देन कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईयर, ईयर क्यूलॉइड। आपने सुना होगा कि ईयर में क्यूलॉइड बहुत कॉमन होता है, ये उसका एग्जांपल है ये। तो इस प्रकार से ये जो व्रण तैयार होता है उसके कारण मुख्यतः दो रहते हैं। एक तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो छेद किया है, ये छेद कान के हड्डी के अंदर से किया है। एक्चुअली छेद सिर्फ इधर कर सकते हैं आप, जो चमड़ी का मांस का पार्ट है, लेकिन अगर आप हड्डी में से छेद करोगे तो वहाँ पे ऐसे क्यूलॉइड होने की शक्यता बहुत रहती है। तो ये क्यूलॉइड को प्लास्टिक सर्जरी करके, स्किन ग्राफ्ट करके हमने उसको रिपेयर किया है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन या इंजरी से भी, अभी ये पुरुष है तो इसमें भी ये क्यूलॉइड हुआ है, तो इसका भी सर्जरी हमने किया है। अगर बहुत छोटा क्यूलॉइड है तो उसको इंजेक्शन द्वारा भी कम कर सकते हैं। अभी ये बड़ा क्यूलॉइड था, इसको भी कम करके इसमें स्किन ग्राफ्ट लगाया है। ये है, इनको भी इधर इन्फेक्शन की वजह से क्यूलॉइड हुआ था, तो वो निकाल के वहाँ पे ग्राफ्ट किया है। तो क्यूलॉइड में अगर शुरुआत है तो उसको बिना ऑपरेशन के अपन इंजेक्शन किनाकॉट देख के उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्यूलॉइड अगर बढ़ गया तो उसको निकालना और सर्जरी करना ज़रूरी है। ये सर्जरी के बाद में कुछ 5% लोगों में फिर से वो होने के चांसेस रहते हैं। देन कमिंग टू इंजुरी की वजह से एक्सीडेंट को, अभी ये लड़की थी, इंजीनियरिंग को थी, वो 18 इयर्स की लड़की थी, तो व्हीकुलर एक्सीडेंट में उसका ये कान का पोर्शन चला गया, लॉस हो गया। तो बाद में 2 साल के बाद वो हमारे पास आए, तो हमने 3 स्टेज में उसका ईयर रिकन्स्ट्रक्शन किया है। आप देख सकते हैं ये ऐसा ईयर था, ये बाद में ऐसा है। अभी कंपैरिजन में ये नॉर्मल कान से, अभी ऐसा था तो अभी ऐसा है, नॉर्मल कान के कंपैरिजन में ये थोड़ा अलग लगता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी बेटर है, इससे कभी भी ये एक्सटर्नल ईयर बेटर है।
इसमें कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग रिकंस्ट्रक्शन रहता है ईयर एक्सटर्नल ईयर रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसका जो शेप है ये बहुत टिपिकल है, ये शेप फिर से अचीव करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बट डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जन अपना कोशिश कर सकते हैं। देन कमिंग टू अदर इंजुरीज, ये ब्लास्ट इंजुरी था, इसमें ये इतना पोर्शन चला गया था, तो हमने ये तीन स्टेजेस में उसका कान बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ का पोर्शन भी गया था, तो उसको भी ग्राफ्ट किया है। ये है, इसमें भी इतना पोर्शन उसका ह्यूमन बाइट से चला गया था, किसी ने गुस्से गुस्से में इतना पोर्शन काट दिया था, तो उसको फिर से हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है। ये भी एक इंजुरी है, ये टू व्हीलर एक्सीडेंट है, इसमें ये पूरा कान लटक गया था, तो उसको रिपेयर करके हमने नॉर्मल कान के जैसा उसका अपीयरेंस दिया है। अब ये भी हॉरिबल लगता है, ईयर इंजुरी, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट से हुआ है, और ये इतना कटने के बाद में हमने रिपेयर करने के बाद इस प्रकार से ये हो जाता है। ये भी बहुत चैलेंजिंग केस थी, छोटे बच्चे में थी, और ये जब बड़ी हो गई 13 साल की, तो ये आप देख सकते हैं इतना बैड इंजुरी था, उसको हमने रिपेयर किया है। देन कमिंग टू ऑरोप्लास्टी, ऑरोप्लास्टी बोले तो ईयर लोब रिपेयर, जो कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी है ईयर के बारे में, ये बहुत सारी फीमेल में, औरतों में तीन कारण से होता है। ये हेवी ऑर्नामेंट्स अगर यूज़ करेंगे, हेवी ईयर रिंग्स यूज़ करेंगे, तो ये धीरे धीरे छेद बड़ा होके लंबा होके, ये एक तो लंबा होता है ईयर का पोर्शन, और बाद में कट जाता है, तो बड़ा होल होना या कट जाना, उसको हम फिर से, हमारी एक स्पेशल टेक्निक है बेमडा हॉस्पिटल में हम यूज़ करते हैं, वो टेक्निक की वजह से हम अच्छे से उसको शेप दे सकते हैं, और उसका स्कार भी नहीं दिखता है। ये भी वैसा ही है, अब ये देख सकते हैं इसमें तो दो जगह पे उनको हुआ है, दो जगह पे होल से, तो हमने ये फिर से रिपेयर किया है। ये इसमें तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंजुरीज होके ये टियर हो गया था, तो इसको फिर से हमने रिपेयर किया है। तो इस प्रकार से ये जो सर्जरी है प्लास्टिक सर्जरी से करना ज़रूरी है। अभी ये उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेशली, ये कॉम्प्लिकेशंस बाय ब्यूटिशियन। कभी कभी कुछ रुग्ण उनका कान दुरुस्त करने के लिए ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, तो ये ब्यूटिशियन ने उनको कुछ फेविकॉल या कुछ ग्लू लगाया, तो उससे इनको केमिकल बर्न हो गया और ये पोर्शन जल गया उनका कुछ, और ये जल के ये इस प्रकार से उसको इंजरी होगा। ये परमानेंट डिफेक्ट रहता है, इसको प्लास्टिक सर्जन भी दुरुस्त करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो कृपा करके, ये भी वैसा ही है, ब्यूटिशियन के पास जाके उन्होंने कुछ कोशिश की है बंद करने की, तो वो नहीं हुआ है। तो ये एग्जांपल्स है, ये आपको वार्निंग करने के लिए कि कृपा करके आप, आपका जो भी ईयर लोबिल का टीयर हुआ है, टॉर्न ईयर लोबिल है, ईयरिंग डालने से हुआ है, तो ब्यूटिशियन के पास न जाते हुए क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से आप करेंगे, तो आपका शेप अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो लाइफ लॉन्ग आपको डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये भी एक उदाहरण है, ये पूरे कंप्लीट तरीके से टूटा था, तो इसको रिपेयर किया है। तो आपका कान इतना ब्यूटीफुल रखने के लिए हम प्लास्टिक सर्जन्स आपको हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो होप ये वीडियो के द्वारा आपको कॉस्मेटिक सर्जरी ये प्लास्टिक सर्जन से करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसकी जानकारी आ गई है। आपको फिर भी कुछ शंका है या कुछ आपके इंक्वायरीज है, तो आप हमारे हेल्पलाइन पे 8805013088 पे, या हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी औरंगाबाद.com ये वेबसाइट पे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे भी हम हमारा जो है रमाकांत बेमड़े नाम से और बेमड़े हॉस्पिटल नाम से, वहाँ पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीक में बाकी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के विषयों पर हमारा जो सीरीज़ है ये यूट्यूब वीडियो का ये चालू रखेंगे। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, बेल को आप प्रेस कर दीजिए, जैसे भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसमें नया वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जानकारी ले सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।